अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। जरताज गुल और नाज बलोच के दरमियान मजाया शायरी, कब तक तुम छुपोगे फूलों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लंडा बाजार में। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल और पीपल्स पार्टी की नाज बलोच के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक, कब तक तुम छुपोगे फूलों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लंडा बाजार में। तहरीक इंसाफ की जरताज गुल और पीपल्स पार्टी की नाज बलोच के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली और वफाकी वजीर जरताज गुल और पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली नाज बलोच के दरमियान दिलचस्प और शायराना अंदाज में नोकझोंक। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली नाज बलोच ने शायराना अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और जॉन एलिया का एक शेर उनकी नज़र किया। नाज बलोच ने शेर पढ़ते हुए कहा कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सब के दिल से उतर गया हूँ मैं, तुम अपनी इंतहा तो बताते, खुद को थोड़ा और गिरा देता मैं। उसके जवाब में वफाकी वजीर सरताज गुल ने भी फौरी और तनजिया जवाब देते हुए कहा कि कब तक तुम छुपोगे फूलों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लंडा बाजार में। सरताज गुल के जवाब पर नाज बलोच गुस्से में आ गई और वफाकी वजीर से अपने अल्फाज वापस लेने को कहा। नाज बलोच ने कहा कि बलोच खवातीन लंडा बाजार नहीं जाती। बात अजा वजीर मुमलकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल ने अपोजीशन की तनकीद का जवाब देते हुए मजीद कहा है कि सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वालों का रास्ता रोकना चाहिए, अगर ऐसा ना किया गया तो मुस्लिम लीग नून की सारी सफ खाली हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान विजनरी लीडर हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए अफाज से महफूज पाकिस्तान बनाने का जामे प्रोग्राम बना दिया है। जरताज गुल ने कहा कि ख्वाजा आसफ और खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि सियासत के हवाले से जाबते होने चाहिए, ये अच्छी बात है, उन्हें गौर करना चाहिए कि अगर सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वालों का रास्ता ना रोका गया तो उनके पीछे वाली अक्सर सीटें खाली हो जाएंगी। हम तहरीक इंसाफ में थे और रहेंगे और हमेशा तहरीक इंसाफ के साथ ही अपनी वफादारी को कायम रखेंगे। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।